कांग्रेसी नेता डॉक्टर शहजाद आलम ने लखनऊ पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र वासियों को दी नववर्ष पर शुभकामनाएं। साथ ही बताया कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और महिलाओं का हमारी नेता प्रियंका गांधी के प्रति प्रेम यह दर्शाता है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे और जनता से कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही क्षेत्रीय लोगों से मिलकर बैठक कर उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शहजाद आलम सभी भारतवासियों को नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लाए। साथियों, 2021 बहुत संघर्ष भरा गुजरा है। देश के लोगों ने तमाम तरह की दिक्कतें देखी, तमाम लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, काम धंधा बंद था। ऊपर वाले से ये दुआ है कि 2022 ऐसा दिन ना आए दोबारा। साथियों, हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है, जनता की आवाज़ बन रही है, जनता के दुखों को, तकलीफ़ों को सरकार के सामने रख रही है, सरकार को जगाने का काम कर रही है। लेकिन अफसोस है कि ये ऐसी सरकार, इस वक्त भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ऐसी सरकार है जो आँख नाक कान बंद किए हुए है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। आपको ये फैसला करना है, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाला, 2022 का चुनाव है, इसमें आपको फैसला करना है कि प्रदेश की जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनका उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए, प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम जो हमारे गरीब कमज़ोर पिछड़े हैं उनको ताकत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।